भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा के लिए हमारे प्रत्याशी ब्रिगेडियर पाल ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष भागीरथ जी, चेयरमैन हमारे ब्लॉक समिति के श्री शेर सिंह जी, खिमदासी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षता जो जिला परिषद की सदस्य भी है, भाई दिलीप सिंह ठाकुर जी पूर्व में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं, पार्टी के हमारे साथ श्री वीरेंद्र शर्मा जी, उर्मी राम जी, आस्था देवी जी, केशव राम जी, सुंदर सिंह वर्मा जी, कंद्रावती जी, जिले राम जी, भूमि राम जी, भास्कर सिंह जी, देवराज जी, अलोक जी, जिले राम जी, रीत राम जी, गोविंद जी, केश सिंह जी, दौलत राम जी, मुकेश जी, दिलीप सिंह जी और यहां उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, युवक मंडल के सब साथी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमने तो ऐसा सोचा था कि यहां करते करते ढाल मुद्रा होगा और आगे निकल जाएंगे। मुझे मालूम था कि यहां पर आप सबके बीच में आपने स्वागत का कार्यक्रम के साथ भाषण का भी रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सालों के बाद यहां आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि अब आप भी देख रहे होंगे कि मैं दुबला हुआ कि मोटा हुआ। बहुत सारे साथी जो हमारे साथ इन पहाड़ों पर चढ़ते उतरते चलते थे साथ में, जब हम बहुत थोड़े हुआ करते थे और खास तौर से इस इलाके में तो बहुत थोड़े थे, एक वक्त है शुरू का, फिर आप लोग जुड़ते गए और जुड़ करके हम सब मिलते रहे, साथ बढ़ता रहा, परिवार बड़ा हुआ और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये धारे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। मैं आप सबको इस चेहरे की तरफ जब देखता हूं तो महसूस होता है कि सही मायने में आप सब लोगों ने हमको बहुत स्नेह और प्यार दिया है। जब हम विधायक रहे थे तब भी आते थे मैं आपके बीच में और ऊपर जो रात की होती थी फोन रात की सारी रात नाती मैं छोटी क्या था लेकिन बहुत नागा दूसरा कर पाऊ रात की के लिए आया तो नाचना पड़ता होते हैं। तो वैसा एक बहुत लंबा सफर आप लोगों के साथ गुजारा, आप सबका आशीर्वाद मिला। आज मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 24 साल हो गए, आप सबका आशीर्वाद से हम लगातार जीत रहे हैं। अगले साल जब वोट मांगने के लिए फिर आएंगे तो 25 साल हो जाएंगे। अगले वोट की बात हम ही बात करेंगे लेकिन आज के वोट की बात खासतौर से हम इसलिए कर रहे हैं कि राम स्वरूप जी हमारे सांसद थे, मंडी से हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए चुनाव की नौबत बीच में आ गई। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अब की बार हमें फौजी भेजेंगे और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर हमारे यहीं के हैं, नजदीक के हैं, अपने हैं, पहाड़ी भाषा में बात कर सकते हैं, स्वाजी भाषा में बात कर सकते हैं, उर्दू की भाषा में बात कर सकते हैं, मेघवाई में रहते हैं और हमारी और आपकी तरह जिंदगी में गुजारी है, गरीबी के दौर में से गुजरते हुए आगे जहां तक ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे। और जब कारगिल का युद्ध हुआ तो
एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर सौंपी गई। जो टाइगर हिल का आपने नाम सुना है, 16,000 की ऊंचाई थी उसकी, 16,000 फीट की, और 16,000 की फीट की लड़ाई को लड़ने के लिए वहां से पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ने के लिए, मार भगाने के लिए ये जिम्मा ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को ऊपर दिया। और उन्होंने मुड़ कर ये देखा, जब तक एक एक सैनिक को मार करके नहीं गिराया पाकिस्तान से, तब तक ये हटे। और जब टाइगर हिल पर कब्जा किया तो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी के हाथ में तिरंगा झंडा था। यह हमारे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है। आज के दिन में बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम अभी थाटा में भी है, आगे बोलते हैं बीच में भी और भी रखा है, चिवनी वालों ने अलग रखा हुआ है, खेत वालों ने अलग रखा है, तो इसलिए लंबा कार्यक्रम है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर 50 साल होने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में। लेकिन जो भी मेरे से हो सकता था क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, हमने ईमानदारी से कोशिश की। और उस मैं कह सकता हूं कि सफलतापूर्वक हमने हिमाचल का भी विकास किया और अपने क्षेत्र के लिए भी विकास करने की कोशिश की। आज आपका वीडियो ऑफिस बारी चौकी दे दिया, फिर बोले आप लोगों ने कि नया मंडोलिया एसडीएम का दफ्तर भी चाहिए, बोलते नहीं एसडीएम का दफ्तर वहां पर दे दिया, सेरिकल्चर का ऑफिस वहां पर दे दिया, वेलफेयर का दफ्तर वहां पर दे दिया, रोजगार कार्यालय आपके बाली चौकी में खोल दिया। और इस तरह से बीएससी थी बीएपीएससी का दर्जा बढ़ाकर तो उसको सीएससी कर दिया, बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, और सचिवालय का काम जो है मिनी सेक्रेटरी का काम वहां पर युद्ध स्तर पर लगा है। बाली चौकी में पुल चाहिए, पाली साइड जाने के लिए पुल बनाकर के तैयार कर दिया, उद्घाटन के लिए तैयार है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया, तो इसलिए जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। खून के गांव में जब जाते थे तो चोड़े का पसीना जो है पांव से निकल जाता था, नीचे से निकल जाता था। गोविंद राम जी हमारे अडवाणी जी बोलते हैं उनको, वो हमारे वहां पर पार्टी के बड़े पुराने साथियों में थे। ये हो गए तेजराम जी, हो गए बहुत सारे साथी है वहां पर हमारे पुराने। जब फूल जाने की बारी तो 100 बार सोचते थे यार अभी जाइए क्या करिए, सीधी कड़ाई ऊपर करने के लिए जाते थे। लेकिन जाते थे, कई बार जाते, कई बार गए खून रहे खून, कई बार वहां पर कई बार हम जाकर के सब साथियों से देखते रहे। आज मुझे लगता है कि सड़क पहुंच गई, कुछ ही सड़क नहीं थोड़ी सा सुनाएंगे तो टाइम में दूर की पूरी पीछे गंगा के किया था कारण जो नहीं। लेकिन हमने कहा, हमने सोचा नहीं था, हमने कहा यार एक खून सड़क कुछ नहीं कुछ नहीं कभी कुछ नहीं, लेकिन आप पहुंचने के करीब पहुंच ही गई। जब आने चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें आपके साथ जो है वो ताजा जब करते हैं। ये सारे गांव हमने एक एक पैदल घूमे हैं, घर घर गए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने सहयोग भी दिया, समर्थन भी दिया, बहुत प्यार दिया। आज मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को हमने दिल्ली पहुंचाना है, और दिल्ली पहुंचाने के लिए यहां से एक तरफा समर्थन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। काल जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काल जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटी काशी का सांसद फौजी होकर के जब बड़ी काशी के सांसद बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जब उनको मिलेंगे प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे तो उनको भी यकीन होगा कि छोटी काशी मंडी जो है हमारी हमारे साथ में है, सहयोग के लिए साथ में है, चट्टान की तरह खड़ी साथ है, ये उनको संदेश। और दूसरी बात और भी,
अभी देखो चार साल सरकार के बीते हैं और चार साल में दो साल तो ऐसे निकल गए, कोरोना में निकल गए। आज भी बहुत सारे लोगों ने लगा के रखा है बेचारा, वो छिकड़ा छिकड़ा जो तरह ये दूर ज्यादा आई। चलो फिर भी बच गए, तो जान बचे, कुछ लोग हमारे बीच में से चले गए, उसका हमको दुख भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने बचाने की बड़ी कोशिश की, आदमी को बचाने की कोशिश की। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप हमारे घर के आदमी हैं, आप हमारे गांव के आदमी हैं, मेरे सराज के लोग हैं, इसलिए आप सबसे मेरा एक निवेदन है, कई लोग आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे। आजकल कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, वो आए, लेकिन बोलते बोलते फौजी जो राजनीति के क्या काम है बोलते हैं, जैसे कि उनने ही ठेका ले रखा हुआ है, क्योंकि वही कर सकते राजनीति, राजनीतिक क्षेत्र में तो फौज का आदमी आ नहीं सकता है। ईमानदार आदमी राजनीति में चाहिए, मेहनत करने वाला आदमी राजनीति में चाहिए, स्वच्छ छवि का आदमी राजनीति में चाहिए आज की राजनीति में, और वो सेना के जवान के सिवा को दूसरा नहीं हो सकता है। और इसलिए मुझे किसान साहब को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग आपके बीच में आकर के गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो खासतौर से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैंने पैसे भेजे दिल्ली से, जो हमारा मनरेगा का जो हमारा श्रम कल्याण बोर्ड पड़ता है, लेबर बोर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं, और उस बोर्ड के माध्यम से पैसे मैंने एक बार दिए, दो बार दिए, तीन बार दिए, दो दो हजार रूपये आए जिनके खाते में आए, तो जिन्होंने मनरेगा में 90 दिन लगाए, 90 डेज। लेकिन कई लोग बीच में आए, हाँ बोलते बोलते ये तो हमने लगाए, वो बोलते हैं आपको 90 देने वाला जय राम, और वोट मांगने वाले श्रेय लेने वाले दूसरे लोग। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। मैंने इसलिए दिया कि मैंने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, और इस कोरोना के संकट में जब मजदूरी करना, काम करना, पैसा नहीं था, तो उस वक्त उनको मदद करने के लिए मैंने तीन बार वो पैसे भेजे, 2000 2000 2000, वो तो हजार भेजे। लेकिन कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमने किया, ये हमने किया है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में है, प्रदेश में भी है, सारे का सारा पैसा हमने भगवान से भेजा है, और खासतौर से महिलाओं के बीच में वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेहरबानी करके उनसे उनको बोलो कि गुमराह मत करो, झूठ मत बोलिए। अगर किसी ने कागज पत्र भंडे में मदद की है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे देने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार है, और जिसका जो है मैंने जिक्र किया आपको। मेरे बात बहुत ज्यादा मुझे आपके बीच में नहीं कहना है, मैं चाहता हूं कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को एक तरफा वोट मिलना चाहिए, हमें यहां से समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि समर्थन इसलिए मिलना चाहिए, यहां से जितना समर्थन मिलेगा उतनी ताकत नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी, उतनी ही ताकत जयराम को भी मिलेगी। जब जयराम तगड़ा होगा ना तो सब राज्य तगड़े होंगे। उस राज्य का फेरा आया है, और इस फेरे को समझो, उसको संभालो, लंबे दौर तक चलाओ, मेरे काम से ज्यादा आपके काम आऊंगा मैं यही कहना चाहता हूं। और आप देखेंगे इस कोरोना के संकट के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत काम किए। आप रोहडू में भी जाएंगे, 6 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वो वहां पर वो काम किए जो मैंने 4 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में रखे दिया। इस पहाड़ से जाकर के गाड़ियां दूसरे पहाड़ से पार निकल रही है, और उस पहाड़ से गाड़ियां इस पहाड़ के लिए आ रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये ताकत आप लोगों ने दी है, आप लोगों ने हमको समर्थन दिया, आप लोगों ने हमको प्यार दिया, तभी जाकर के हम ये करने के लिए सक्षम हुए। लेकिन ये ताकत बनी रहनी चाहिए, ये ताकत लंबे समय के लिए चाहिए,
ये ताकत कायम रहनी चाहिए, इसको और मजबूती मिलनी चाहिए और मजबूती तब मिलेगी जब आप चट्टान की तरह खड़े होंगे। स्वराज की तरफ से तो ऐसा होना चाहिए, मैं आऊं कि नहीं आऊं, मिलूं कि ना मिलूं, लेकिन स्वराज मुझे चट्टान की तरह साथ खड़ा चाहिए, तब जाकर के मुझे हौसला होता है 72 लाख जो हमारी आबादी है उनकी सेवा करने का भी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक एक वोट जो है ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को आप दीजिए, और कोई भी आदमी बाहर है भीतर है सबको समझाइए कि भाई दिल्ली में भाजपा, दिल्ली में भी भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा, दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए और स्वराज का स्वराजी जो है शिमला बैठा हुआ है, इन दोनों को मजबूत करने का ये मौका है, इस मौके को टूकने मत दीजिए। ये मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग हमको पूरा समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, स्वराजी को भी मजबूत करेंगे और फौजी को भी मजबूत करेंगे और मोदी जी को भी मजबूत करेंगे। इतना ही मुझे आप सबके बीच में कहना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब महिलाएं, सब पुरुष जो है यहाँ गांव के आकर के मैं देख रहा हूँ, घर आज तो घर खाली किए हुए लेकर आते सब के सब आए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। Eu não sei o que é que eu não sei.